नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका पब्लिक व्यूज इंडिया में। इस समय राजनीति में कुछ तरीका इस समय आतिशी जी द्वारा किया गया है कि वो गौतम गंभीर पर संगीन आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ अश्लील पर्चियां गौतम गंभीर जी ने बांटी है, और गौतम गंभीर जी इस पर ये कह रहे हैं कि अगर सबूत साबित होता है, मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं पब्लिक में फांसी लगा लूंगा या तो राजनीति को त्याग दूंगा। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह सबूत साबित होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति को त्याग देंगे। हम लोगों से जानेंगे लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि जिस आदमी ने कसमें खाई थी अपने बच्चों की और उसके बाद आज प्रस्ताव ले लेके घूम रहे हैं कांग्रेस के पास, उस आदमी को राजनीति, मैं तो कहता हूँ दुनिया भी छोड़ने दे में कोई छोटी बात नहीं होगी। पहली बात आप ये बताइए, आप बात किसके बारे में कर रहे हैं? गौतम गंभीर, जिस आदमी ने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताए, अपनी काम अपनी मेहनत के दम पर आज उसने अपना एक मुकाम बनाया और आज जन सेवा के लिए वो इस राजनीति में उतरे। ना तो पैसे की कमी है, ना रुतबे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, बट उस आदमी ने अपने आप को इसमें झोंका ताकि वो देश की सेवा कर सके। आप उस आदमी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो अतिशी मरलेना के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहा है, और आखिर में वो ये और लिख देता है कि कांग्रेस और आप अगर कुछ भी नहीं करें तो भी बीजेपी जीत जाए। जब बीजेपी जीत ही रही है तो उसको पैम्फलेट छपवाने की भी क्या ज़रूरत थी? इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं अपने ही बनाए जाल में कि गौतम गंभीर जैसे, मतलब इतने महान बल्लेबाज, इतने बढ़िया भारतीय के बारे में उन्होंने ऐसी काम करी है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। और जहां गौतम गंभीर जी पहले कुछ मतों से जीत रहे होते थे, अब तो भाई साहब भारी मतों से जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जान चुकी है मोदी जी के साथ है और गौतम गंभीर के साथ है। आरसी शर्मा, शर्मा जी नहीं, एक मिनट, गंभीर जी ने ये बोला कि इसी वजह से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, क्योंकि इस राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसे लोग खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एकदम झूठे झूठे इंसान हैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि हम स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन वो खुद ही गंदे निकले, गंदे इन द सेंस कि उन्होंने जो है ना जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। और सबसे पहली बात, आतिशी जो है ना वो सबसे बड़ी झूठी है। पहले आतिशी मरलेना नाम था, उन्होंने देखा कि मरलेना नाम जो है ना क्रिश्चियन की तरफ जाता है, तो उसने मरलेना नाम हटा दिया केजरीवाल के कहने से। तो वो जो है ना वो ये शो करने के लिए कि सिर्फ आतिशी रहने दिया, क्यों मरलेनी जवाब दे, आतिशी जवाब दें कि मरलेना क्यों हटाया, इस वजह से किस वजह से हटाया। ये जातिवाद खुद फैलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इसमें साजिश कर रही है आम आदमी पार्टी? इसमें साजिश की है, क्योंकि साजिश करना जो है ना वो केजरीवाल जी का काम है। पहले उन्होंने 2014 में खुद को ऑटो वाले से जूते लगवाए अपने आप को, और फिर उनके घर में फूल बांटने चला गया, और उसके बाद जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए दोबारा वही हथकंडा अपनाया। अब जो है ना खुद को जो है ना किसी शख्स से जूते लगवाए, अब फिर देखना किसी दिन वही उनकी पार्टी का नुमाइंदा होगा। केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि ऐसी शर्मनाक हरकत करेंगे गौतम गंभीर, मैंने नहीं सोचा था। आपको लगता है गौतम गंभीर जी से गलती होगा ही नहीं? वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, देश के लिए सेवा किए हैं। सही बात है, वो देश के लिए सेवा किए हैं। अब फिर नेतागिरी में आकर के देश की ही सेवा करेंगे? बिल्कुल। केजरीवाल के तो ये एक साल की बात नहीं है, अनेकों साल से है। झूठ पे झूठ, कहीं थप्पड़ खा जाना, कहीं जूता फेंकवा लेना, कहीं मिर्च फेंकवा देना, पैसा दे करके ही फेंकवाते हैं। वो पैसा दे करके फेंकवाते हैं, उनका साजिश है। उनको बोलने के लिए या वोट मांगने के लिए कोई अस्त्र नहीं है, तो यही बताते हैं कि बीजेपी ने तो थप्पड़ मरवा दिया, बीजेपी ने तो जूता फेंकवा दिया। हाँ, नहीं, हमें एक चीज ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब जिसने थप्पड़ मारा था उसके पैसे दे देना, अभी तक पैसे पेमेंट नहीं आई है उसकी, दे देना जरा जरा। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपका शुभ नाम से ऋषभ मिश्रा। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जो गौतम गंभीर जी ने बोला है कि अगर साबित होता है तो मैं बीच चौराहे पर फांसी लगाने के लिए भी तैयार हूँ? और गौतम गंभीर ने 3 चैलेंज दिए उनको कि अगर साबित कर दिया उन्होंने तो वो अपना कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कुछ रिप्लाई नहीं किया उस पर। उसके बाद बोला कि आप अपनी राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने बोला अगर साबित होता है तो चौराहे पर फांसी
वैकेंसी लगा लेंगे, और अगर नहीं ऐसा होता है, गलत है अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे। उस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, आपने देखा क्या ट्वीट किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड ऑफिस टुडे। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल का बहुत पुराना है कि इन्होंने ये किया, इनके पास सबूत है मेरे पास, इनके लिए शीला दीक्षित के लिए सबूत था, उनके पास अरुण जेटली के लिए सबूत था, सबसे तो माफीनामा मांगा उन्होंने। क्या करेंगे मतलब, किसके खिलाफ, उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ तो प्रूफ तो किया नहीं, बातें करवा लो 10 तरीके की। अरे आप बताओ कितने मानहानि के केस पे उन्होंने माफी मांगी है, कितनी पर्चियां लिख दी उन्होंने माफी के लिए, आज तक किसी को प्रूफ कर पाए, किसी के लिए गाली दे, हर आदमी को गाली दे दी है। राहुल गांधी पिछले 4 महीने से चिल्ला रहे चौकीदार चोर है, तब कुछ नहीं, वो उनके परिवार को बोल सकते कि सारे मोदी चोर होते हैं, उन्हें परिवार कम्युनिटी सबको बोल सकते हैं। इन्होंने अगर राजीव गांधी को बोल दिया कि इन्होंने तो बफर्स किया है, जगह जानती है, तब उनके लिए कहेंगे कि अपमानित है ये, प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोला गया, शहीद के खिलाफ बोला गया, भाई वो बंदा भी तो प्राइम मिनिस्टर है यार, उसके खिलाफ केजरीवाल साहब क्या बोलते हैं, साइकोपैथ है वो, अपने आप भाई साहब क्या है, तो भाई साहब क्या है, भाई साहब को सबसे दिक्कत है, नजफ जंग से दिक्कत है भाई को, गवर्नर से दिक्कत है भाई को, प्राइम मिनिस्टर से दिक्कत है भाई को, सब चीज से दिक्कत है भाई को, क्या दिक्कत है, कुर्सी चाहिए भैया को, पूर्ण राज्य चाहिए। अरे पूर्ण राज्य नहीं, इनको पूर्ण राजनीति चाहिए, इन्हें पूर्ण राजनीति चाहिए, पूर्ण राजनीति बस, और कुछ नहीं चाहिए इनको। और गौतम गंभीर अगर ऐसा कर देगा ना, उस दिन भारत का सबसे सूरज डूबने के कगार पे होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि गौतम गंभीर कभी कुछ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। किस चीज, यही जो आपने हरकत बता रहे ना, ये 1000 अरविंद केजरीवाल कर सकते, लेकिन गौतम गंभीर कभी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है किसकी साजिश है? अरे आप किसके, आपको नहीं पता किसकी साजिश है, आप किसके बारे में पूछ रहे हमसे, किसके बारे में पूछ रहा हूँ, केजरीवाल, तो किसकी लगती है आपको साजिश, आपको किसकी लगती है, तो हमको तो बताइए अरविंद केजरीवाल की, आपको बताओ ना, हमको पता है, आपको सर किसकी लग रही है, समय जो चीज की लग रही है भाई, केजरीवाल फिरोड केजरीवाल के बाप का मान लीजिए, फ्री में किसी को कोई चीज बांटेगा, टैक्स को सिर्फ फौज के काम और सड़कों के काम आना चाहिए, और किसी को मुफ्त की कोई चीज नहीं देनी चाहिए टैक्स में। तो सड़कों पर काम हुआ नहीं हुआ जी, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, केजरीवाल के विकास के दम पर आ रहा है सर, कुछ नहीं, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा दिल्ली में, कुछ नहीं करा। गौतम गंभीर जी पे इस समय आरोप लगाया गया है सर, आपने सुना होगा अतिशी जी ने बोला है कि हमारे खिलाफ पर्चे बांट रहे हैं गौतम गंभीर जी, और गौतम गंभीर ने रिप्लाई किया अगर ये साबित होता है तो मैं चौराहे पे फांसी लगा लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं साबित होता क्या केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? आम बाल्टी और कांग्रेस के पास इस टाइम आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास कुछ। तो सर पहले कीचड़ उछालो फिर सॉरी से हाथ धोने वाली बात होगी, आदत है उनकी, आदत बनी हुई है मीडिया में आने की, आदत बनी हुई है, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस विश्वास से आई थी वो विश्वास उनका खत्म हो चुका है, बाहर से चाहे कुछ भी बोले लेकिन इंटरनली उनके लिए जो भी चीजें थी सबके लिए खत्म हो चुका है। गौतम गंभीर पर बातें करी जा रही है, बस ये सारा आप समझते हो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये बस अटेंशन पाने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। गंभीर को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जितना जानते हैं, जो हो चुका है कीचड़ उछालने नहीं, राजनीति में जो गौतम गंभीर ने बोला इसी वजह से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, क्योंकि केजरीवाल जैसे लोग सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल उचित बोला है, कोई गलत इन्होंने नहीं बोला है। आज के माहौल में पार्टी को अच्छी नहीं है, मोदी अच्छा है, मोदी को वोट दिया जा रहा है ना कि पार्टी को दिया जा रहा। अब हर आदमी जागरूक हो गया, पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा, मोदी को वोट पड़ी है, मोदी को वोट पड़ेगी। हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो, और वो तभी संभव है जब मोदी जैसी सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे। सर आपका शुक्रिया। वेद प्रकाश जी क्या राय है आपकी, जिस हिसाब से गौतम गंभीर जी ने बोल दिया कि अगर ये साबित होता है तो मैं भरे चौराहे पर फांसी लगा लूंगा? देखिए सबसे पहले कि जो दिल्ली के CM हैं केजरीवाल जी, उनका हर प्लान ट्रीटेड होता है, पूरा प्लान जैसे एक कोई सेटअप करते हैं, इस पूरा प्लान सेटअप किया हुआ है, और आतिशी के बारे में खुद इन्होंने प्रिंट आउट करवाया पेपर्स और सारे इलाके में बंटवाया और आरोप लगा दिया। लेकिन जब बात आती है, लेकिन सामने देखा उन्होंने नहीं कि एक तो साथ में BJP के कैंडिडेट गौतम गंभीर जी हैं, और साथ में उनको ये नहीं पता कि एक फैक्ट और एक मजबूत कैंडिडेट है जो कि सामने आके बोला कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो मेरे ऊपर यानी कि गौतम गंभीर पे, तो वो अपने आप को सजा देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, अपने आप को फांसी लगा लेंगे। सर क्या ये मीडिया अटेंशन पाने के लिए ये सब हो रहा है क्या, कि कांग्रेस भाजपा बहुत दिन से चल रही थी, एक थप्पड़ से आम आदमी पार्टी और फिर अब फिर से आम आदमी पार्टी? भाई साहब बहुत सीधी सिंपल बात है, केजरीवाल जी एक चीज समझ चुके हैं, ये ऐसा है केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अब जनता आपकी चलाकियों को और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है केजरीवाल
जम्मू को रखे क्योंकि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई साहब, बहुत शुद्ध और सीधी बात है, केजरीवाल जी ने सारे हथकंडे अपना लिए चुनावों की में सुर्खियों में बने रहने के लिए। जनता अपना मन बना चुकी है, जब उन्हें यह पता चल गया कि मन बन चुका है और उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तब इस तरीके के फर्जीवाड़े कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, 2014 में बनारस चले गए थे लड़ने के लिए, आज क्यों नहीं जा रहे हैं बनारस लड़ने के लिए? मोदी जी तो आज भी वहीं हैं, क्यों रण छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं हर जगह से? और आप मुझे एक चीज़ और ये बताइए कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लात घूंसे गालियां देने के बाद आज ये कह रहे हैं कि भैया हमसे प्लीज़ गठबंधन कर लो हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ तो शायद कैमरे पे रहे हैं, कैमरा हटा दो तो पैर भी छू लेंगे उनके जाके, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि अतीशी के लिए ये और उनके लिए ये। भाई साहब, इस ज्ञान को अपने पास रखें और हमें भी माफ़ करें। मोदी जी जिंदाबाद। ये केजरीवाल जी, केजरीवाल जी बहुत ही बड़े देशद्रोही हैं, इसका सबूत ये है कि कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार और उमर खालिद और उनके गुर्गों ने जो है ना वो नारे लगाए थे, भारत से टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कन्हैया कुमार CPIM का सदस्य है और CPIM की फंडिंग होती है चाइना से, और चाइना जो है ना वो मतलब भारतीय राजनीति में दखल दे रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता इसको जो मूर्ख है, जो देशद्रोही है, वो इसको नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए चाइना को कुचलने के लिए कन्हैया कुमार और को कुचल चाहिए, और इन्हीं कन्हैया कुमार उमर खालिद और उनके गुर्गों को जब वो अनशन के ऊपर बैठे थे तो केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी जो है ना वो उनको जूस उनको उपवास तोड़ने के लिए उन्होंने खुद जूस पिलाया था। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं, इनको पैरों के नीचे रोंद दो वोट के द्वारा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपने जनता की राय सुनी, आप क्या सोचते हैं, आतिशी जी सही है या गौतम गंभीर सही है? और अगर साबित होता है तो क्या केजरीवाल जी राजनीति को त्याग देंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।